अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व खैरियत से होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो मैं हूँ अपनी सिस्टर के घर पे। यहाँ रात का टाइम हो रहा है और यहाँ पे अभी मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किए थे 11:30 बजे के टाइम पे हम सब के लिए चिकन रोल पराठे। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम सब इंजॉय कर रहे हैं चिकन रोल पराठे। बहुत ही मज़ा आ रहा था, सारी कज़न्स बैठ के, बच्चे बैठ के और मेरी सिस्टर, हम सब बैठ के गपशप कर रहे थे। इनकी जॉइंट फैमिली है, वैसे तो ये मेरे ताया अबू का घर है और मेरी सिस्टर की भी यहीं पे शादी हुई है। तो हम यहाँ पे सब कज़न बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, हम सब बैठ के इंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपनी वीडियो शेयर की जाए। और चिकन रोल पराठे बहुत ही मज़ेदार थे, तो बाकी की वीडियो मैं सुबह की आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर हॉस्पिटल आई है टेस्ट करवाने के लिए, ब्लड टेस्ट हो रहा है इसका। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हर मर्ज से निजात दिलाए, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे बहुत ही डर लगता है जब इस तरह से ये ब्लड जब निकालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो इंजेक्शन को देखकर ही मुझे डर लगना शुरू हो जाता है और ये वीडियो बस मैं बना रही हूँ। देखे है वो निकल गया। चले तो बस अब हम घर को चलें। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम बना हुआ है कराची का। तो यहाँ मेरी सिस्टर बना रही है शाम के चाय के साथ पराठे, क्योंकि दोपहर में लंच जो है वो हमने नहीं किया था। नमाज पढ़ते पढ़ते लेट हो गए तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि लंच ना बनाए, ऐसा करें कि आप पराठे बना रहे, हम चाय के साथ एंजॉय करेंगे। मेरा काफ़ी दिल भी चाह रहा था। और ये मेरी सिस्टर का बेटा है हमज़ा। तो हमज़ा जो है ना इंग्लिश में गाने गा रहा था और जब मैंने इसकी तरफ कैमरा किया तो ये शर्माने लग गया कि नहीं नहीं आनी, प्लीज़ हटा दो ये कैमरा। मैंने कहा गाओ भाई, इतना अच्छा गा रहे थे इंग्लिश में गाने, मुझे तो उर्दू में ही ठीक से गाना नहीं आता और तुम इंग्लिश में गा रहे हो। तो ये यहाँ शर्मा गया है कि नहीं मैंने नहीं गाना, आप हटा दो ये कैमरा। फिर मैंने कहा ठीक है चले, मैं चलती हूँ बच्चों की तरफ। तो यहाँ बच्चे जो हैं वो चाइना मट्टी लेके जो है ना खेल रहे हैं, लेकिन इससे पूरी रूम में जो है ना गंद मच जाता है। तो चले ये लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करने दे। और मैं यहाँ पे टी का वेट कर रही हूँ, चाय पीऊँगी, इसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो ये टेंटन हमारी चाय आ गई। ये बिस्किट है, कोकोनट बिस्किट, ये मेरी सिस्टर ने खुद बनाए हैं घर पे। बहुत ही मज़ेदार किस्म के बिस्किट बने थे, ये देख सकते हैं। और नमाज़ के बाद फिर से ज्वाइन करती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मशीन में कीमा बन रहा है। मेरी कज़न आई थी मेरी सिस्टर के पोर्शन में और इतना सारा गोश्त लेकर आई थी और उसका बना रही है कीमा। तो ये आप देख सकते हैं, ये ईद का गोश्त इसने अभी तक सेव करके रखा हुआ था, हमारा तो ख़त्म भी हो गया है। और चले हम आ गए हैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट। मैं अपनी सिस्टर के साथ आई थी और उसको कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैंने बस थोड़ी सी वीडियो बना ली। अब इसके बाद हम घर को जाएंगे। अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब मैं वापस जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर से अपने घर। और मेरी सिस्टर भी है मेरे साथ, उनके बच्चे भी हैं, हम सब जा रहे हैं अपने घर, बच्चे अपने नानों के घर जा रहे हैं। तो हम नाजमाबाद से जा रहे हैं मेट्रोविल, हमारा घर मेट्रोविल पे है और नाजमाबाद में मेरी सिस्टर का घर है। तो ये देख सकते हैं हम अब्दुल्ला कॉलेज तक पहुँच गए, अब हम ये पुल पार करेंगे, रास्ते में हैं। तो इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे और फिर मैं अपनी सारी वीडियो घर में बनाऊंगी और आप लोगों के साथ डेली की वीडियो शेयर करूंगी।